पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक जिम्मा मिन, जिसके बिना सूबे के चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान का काफिला अधूरा रहता था। शिवराज के हर दौरे की पायलटिंग की अगुवाई करने वाले पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक जिम्मा मिन के उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिस रक्षित निरीक्षक की फटकार के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जिम्मा मिन की मौत के लिए परिजन RI को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो पापा उस दिन आए थे रात में, लेट आए उस दिन। उसके बाद फिर हाथ मुंह धोए, उसके बाद बैठे तो प्रेयर करते टाइम ही उसका RI साहब का फ़ोन आया। उसके बाद फिर वो बात किए, वो बोले कि डीजल भरवाए तो उसका वीडियो क्यों नहीं बनाए। तो पापा बोले कि मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था सर, तो मैं इसलिए नहीं बनाया। तो बोले उसके तुम्हारे साथी के पास होगा, उसके उससे क्यों नहीं बनवाए। तो बोले उसके पास भी नहीं था सर। उसके बाद फिर कुछ ऐसा बात बोला तो हम नहीं सुन पाए उसको। उसके बाद फिर बात हुआ तो फिर पापा फ़ोन काटे, बोले कुछ नहीं बोले उसको सर, RI कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर फ़ोन काटे, उसके बाद फिर प्रेयर किए तो वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर खाना खाए तो उनका जो हाथ जिस हाथ से खाते हैं वो भी नहीं चल रहा था अच्छे से, मतलब उठा ही नहीं पा रहे थे खाने को। उसके बाद फिर कुछ देर बाद तो फिर मुँह लड़खड़ाने लगा, उसके बाद फिर बेहोश हो गया। फिर उसके बाद ये जो सारी घटना हुई, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, RI साहब। कौन से RI? ये यहाँ के जो है शहडोल के। इससे प्रधान आरक्षक चालक श्री मिंज की पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब होने पर उनका इलाज कराया जा रहा था, कल रात उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें उनके परिजनों का ये कहना है कि वाहन में ईंधन लेने के दौरान कुछ अनियमितता पाए जाने पर RI द्वारा डांट फटकार की गई थी। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल मुझे प्रकरण की जाँच दी गई है, जिसमें समस्त पहलुओं की जाँच की जा रही है। जो भी निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई। सोशल मीडिया में एक आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।